नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। कान गिरने से दबकर गंभीर घायल हुआ व्यक्ति आनन फानन में लाया गया सरकारी ट्रॉमा सेंटर। बता दें, नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 49 चौबे जी का बाग हनुमानगंज में एक मकान भरभराकर गिरने से उसमें दबकर एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। उसे आनन फानन में जिला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने पीछे नाली का गंदा पानी चलने से सीलन इसका कारण बताया और कहा, कई बार पार्षद को अवगत कराया, पार्षद ने कोई ध्यान नहीं दिया, अब यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंचे व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष अम्बेश शर्मा ने नगर निगम की बड़ी लापरवाही बताया। बताते चले, नगर निगम में वार्ड नंबर 49 क्षेत्र चौबे जी का बाग निवासी एक परिवार के तीन लोग संजय, देवकी, सुखदेव अपने परिवार सहित रह रहे थे। देवकी के परिवार में पत्नी और बच्चे मायके गए थे। आज सुबह करीबन 7 बजे वह चाय बना रहा था, उसी दौरान अचानक मकान गिर पड़ा, वह उसके नीचे दब गया। गनीमत रही उसके घर परिवार के अन्य सदस्य दूसरी तरफ होने के कारण बाल बाल बच गए। आनन फानन में देवकी को निकालकर सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। देवकी ने बताया, वह चाय बना रहा था तभी मकान गिर पड़ा। क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि पीछे काफी समय से नाली का गंदा पानी चल रहा है, जिस कारण आई सीलन से मकान गिरा है। क्षेत्रीय पार्षद प्रमोद राजौरिया को काफी बार अवगत कराया पर कोई सुनवाई नहीं की। मौके पर पहुंचे व्यापार मंडल महानगर अध्यक्ष अम्बेश शर्मा ने नगर निगम की बड़ी लापरवाही बताई और जिलाधिकारी महोदय से इस ओर ध्यान देने की गुजारिश की। कहा, नगर निगम, अगर निगम ने ध्यान दिया होता तो शायद ये घटना नहीं घटित होती। आरती, आपके पति का? सुखदेव। ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आप रहते हो? हनुमानगंज। थाना कौन सा पड़ता है आपका? उत्तर। ये क्या हुआ है आपके बगल में? ये भाई साहब, मकान एकदम धसे गो। इसमें कौन रह रहा था? इसमें तीन लोग रह रहे थे, तीन रिश्तेदार, संजय और देवकी और सुखदेव जी। तो इसमें घायल कौन हुआ अभी? देव की हमारी देवर चचिया ससुर के लड़का, उन्हें नीचे से निकाला गया, इतनी दब गई वो। अच्छा, ये उनके परिवार में और कोई नहीं थी? उनकी वाइफ और बच्चे? वो ऊपर अटक गई थी सबरे, अगर वो बैठ जाते तो हम सब मर जाते। अच्छा, वाइफ, उनके बच्चे थे यहाँ पर? वाइफ मायके गई है शादी में। तो क्या कारण रहा इसके दबने का, कुछ पता चला? अभी तो कुछ पता नहीं चला, एकदम अपने आप ही जे मालूम पड़ी के भूकंप से आया। वहाँ जैसे चर्चा थी को कोई सिलेंडर फटा है, ऐसा भी कुछ था? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, सिलेंडर फटता आपको तो दिखता। चर्चा वही हुई वहीं हॉस्पिटल में। अच्छा, अंकुश, ये कौन है आपके? ये मेरे पड़ोसी हैं। क्या नाम है इनका? इनका दीपक नाम है इनका, और जो ये जो ये लगी है वो देखती है, जिनके लगी है जो झुलसे, मतलब झुलसे नहीं है, जले नहीं है। तो लैंडर पूरा गिर गया ऊपर। अच्छा, चाय बना रहे थे ये। अच्छा, लैंडर पूरा गिर गया है। हमारे घरों के बीच में एक नाली दी गई है पीछे, तो वो उसमें गंदगी बहुत सालों से है। हमने उन्होंने कहा था, अपने कर्मचारी से भी कहा, नहीं, हम लोग पैसे देने के लिए भी तैयार थे, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं थी। अब हम किस पे बिलीव लगाएं, किस पे नहीं करें? तो ये क्या लेंटर गिरा है? लेंटर पूरा गिर गया है, आप देख सकते हो घर पे जाके, पूरा लेंटर नीचे आ गया, पूरा फिक्स लेंटर नीचे आ गया। सिलेंडर सही है, आप चेक कर सकते हो सिलेंडर सब सही है। वो तो बेचारे झुलसे, आप बता रहे थे, उनके ऊपर चाय आई है। अच्छा, उनके ऊपर चाय, वो चाय बना रहे थे, वो अभी नाइट ड्यूटी करके आए थे। तो आपके क्षेत्र के पार्षद कौन है? ये मेरे राजौरिया जी है। पार्षद ने अभी तक शिकायत की कोई सुनवाई नहीं? मैंने कहा था एक दो बार, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। पैसे की बोली, मैंने ये भी कहा था राजौरिया जी से कि आप पैसे हम लोगों से, मतलब जो जो कलेक्शन हो वो ले लो, मतलब जो कलेक्शन करवा के करवाओ आप सफाई। क्या घटना हुई आपके संज्ञान में? ऐसा है, हनुमानगंज में मेरे भाई की दुकान है सर्विस की, उसके ठीक सामने संजय मंगोड़ा वाले घर है, तीन भाई हैं, उन्हीं के शिक्षा ताल की आपस में। नगर निगम की लापरवाही चल रही है, नगर निगम पैसे का दुरुपयोग करने में लगी। नगर निगम क्या करती है, सड़क को ऊंचा उठा रही है, नाली की मरम्मत कराती नहीं है। तो घर के पीछे उनके जो नाली है या आगे नाली है, उस नाली का पानी उन घरों में भरता रहा, तीन घर गिरे इकट्ठे। और एक देवकी नाम का बताते हैं कोई लड़का है, वो उसमें गंभीर रूप से दब के घायल है, अस्पताल में भर्ती किया गया है।
और मेरे ख्याल से उसकी स्थिति ज़्यादा खराब है। तो मैं जो है जिला अधिकारी जी से निवेदन ये करना चाहूँगा कि नगर निगम जो कार्य कर रही है ये लापरवाही के तहत कर रही है, और ये जो नालियाँ हैं इनकी अगर मरम्मत होगी साथ साथ तो ये घर बचे रहेंगे, अन्यथा ऐसे घर जो पुराने होते जा रहे हैं उनकी स्थिति ऐसी दयनीय होती जा रही है वो घर गिरेंगे। मैं जिलाधिकारी जी से फिर निवेदन करूँगा कि वो सड़क के जो लेवल उठा रही है नगर निगम चार चार पाँच पाँच इंची, इससे जो है सारे घर नीचे आते जा रहे हैं और जलभराव की स्थिति बनती जा रही है। अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।